दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आज आपके लिए आया हूं मैं रिवोल्ट आरवी 400 का एक डिटेलिंग रिव्यू। ये 2023 का एक अपडेट वाला मॉडल जो कि हमारे चित्तौड़ शहर में आ चुका है, यानी कि ये बोलूं कि रिसेंटली हाल ही हमारे चित्तौड़ शहर में इसका शोरूम भी खुल चुका है। फिलहाल यहाँ पे दो कलर अवेलेबल है जो कि शोरूम के अंदर यहाँ पर रखे गए हैं। एक डिटेलिंग रिव्यू होगा, टेस्ट राइड भी होगी, प्राइसिंग सब कुछ कंफर्म आपको आज मैं करने वाला हूँ। चलिए करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट। एक बार हम इसकी लुकिंग देखते हैं। तो सर यहाँ पे गाड़ी पे बैठे हैं तो आप लुकिंग का थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि सर अगर बैठते हैं गाड़ी पे तो इस तरह से कुछ सर की लुकिंग देती है। देखिए सर काफी टॉल है, सर की हाइट सर 5.8, सर की हाइट 5.8 है और सर के देखिए आप पैर बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आप हाइटेड हैं टॉल है तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 लगभग इसका है, 210 भी हो सकता है ग्राउंड क्लियरेंस इसका, काफी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं अप्स एंड डाउन वाले फोक सस्पेंशन मिलते हैं, ये काफी प्रीमियम बाइक में मुझे देखने मिले थे पर यहाँ पर रिवॉल्ट में भी देखा। अभी इसकी लाइट कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट होती है इसकी लाइट कुछ इस तरह देती है। अगर इसमें अगर आप अपर डिपर करते हैं तो ये कुछ लाइट तरह से यहाँ दिखती है। ये आपको DRL टाइप कुछ दे रखे हैं, इंडिकेटर भी काफी शानदार है। आप LED इंडिकेटर है शायद तो इंडिकेटर करके दिखाएंगे सर आपको एक बार। ये देखिए काफी खूबसूरत इंडिकेटर यहाँ पे दिखते हैं, कुछ साउंड दिखाएंगे एक बार। देखिए यहाँ साउंड है इसका, बस बस ठीक है, काफी अच्छा साउंड है। पीछे यहाँ पे देखेंगे आपको मोनोशॉक दिया हुआ है, काफी बड़ा दिख रहा है और ये भी एडजस्टेबल है। पीछे मोनोशॉक दिया है, टायर पीछे काफी हैवी है। यहाँ से देखेंगे आप 120 सेक्शन का टायर है और 17 वाला टायर है आपके दिखा हुआ, 120/80/70 वाला टायर है आपका। और पीछे काफी सिस्टमेटिक दिया हुआ है, यहाँ पे बेल्ट ड्राइव वाली को मोटर मिलती है। ये देखिए यहाँ पे बेल्ट भी दिख रहा है, एक्चुअली स्कूटर में आपको यहाँ बेल्ट दिखता नहीं पर यहाँ पे आपको बेल्ट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ आगे सेंटर में यहाँ फिटेड करती है मोटर जो कि आपको बेल्ट की सहायता से यहाँ पीछे ये आपका टायर यहाँ पर होता है रोटेट। और स्विमिंग आर्म भी काफी तगड़े दिए हुए हैं एल्यूमिनियम वाले, काफी मतलब हैवीनेस काफी करा है। और यहाँ पे अगर पीछे लेडीज बैठती है तो वो सिस्टमेटिक यहाँ पे काम किया हुआ है। एक्चुअली आप देखते हैं स्प्लिट सीट में आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक लेडीज के बैठने हैं कुछ सिस्टमेटिक थे पर यहाँ पे एक साड़ी गाड़ी में बिल्कुल सिस्टमेटिक दिया हुआ है, कंपनी से अटैच आता है तो ये भी अच्छा है यार, काफी सिस्टमेटिक है यहाँ पे। मतलब आप लेडीज कोई बैठती हैं पीछे, बाकी इसकी सीट स्प्लिट सीट है तो आप 2 पिलियंस आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और फ्रंट में इसका डैशबोर्ड एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, इसमें आपको 4 स्विच मिलते हैं लॉक अनलॉक पार्किंग और एक आपको दे रखा है इसके अंदर एक GPS का जब ऐप में है यहाँ पे वर्क करता है। तो ये डैशबोर्ड इसका ऑन हो चुका है, एक बार हम इसको ऑफ कर लेते हैं फिर से, ये स्विच दबा के एक बार ऑन कर देंगे। अब इसको ऑन करते हैं, ये अनलॉक कर दी मैंने, ये पावर का बटन एक बार इसको आपको प्रेस करेंगे तो इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ये देखिए इसका डैशबोर्ड काफी विजिबल है, ये देखेंगे आप इसका डैशबोर्ड एक बार। साउंड भी आता है इसमें आपको दिख रहा है, फ्यूल टैंक दिख रहा है, रेंज एक बार चार्ज में कितना किलोमीटर चलेगी अभी रेंज इतनी बाकी है और बैटरी आपकी 96% यहाँ पे चार्ज है। और डैशबोर्ड काफी अच्छा विजिबल है, काफी बड़ा भी यहाँ पे स्पीड, जैसे आप बाइक चलाते हैं जनरली आपको वही वाला डैशबोर्ड मिलता है यहाँ पे, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपके साथ फील होता है। यहाँ पे रेडी का सिंबल आपको आ जाएगा जब आप साइड स्टैंड हटाएंगे। और ये यहाँ पे इंजन किल स्विच दे रहा है, अभी आपका यहाँ पे इस कंडीशन में ये ऑफ रहता है और ये ऑन रहता है। अगर आपका स्विच इस कंडीशन में तो अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ये भी काफी सिस्टमेटिक यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन दे रखे हैं T4 ट्रांसमिशन 1, 2, 3, आप यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं। और ये साउंड वाला बटन है, आपको साउंड अगर लेना हो तो इसको आप ऑन करें या ऑफ करें। इस तरह हम देखते हैं तो आपको अपर डिपर स्विच मिल जाते हैं, इंडिकेटर स्विच मिल जाते हैं और हॉर्न स्विच मिल जाता है। और दोनों ब्रेक आपको फ्रंट और रियर वाले ब्रेक यहाँ हाथ में ही दिए, मतलब फ्रंट में ही दिए हुए हैं। ये आपका रियर ब्रेक है और ये आपका फ्रंट ब्रेक, दोनों ही ब्रेक आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। डिस्क ब्रेक की साइज आपको थोड़ा बताता हूँ, पर दोनों ही ब्रेक आपको फ्रंट और रियर में यहाँ पे CBS भी मिलता है और डिस्क ब्रेक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए ये बाइक है जिसमें आपको जो सीट स्टोरेज अंडर सीट स्टोरेज तो नहीं आएगा पर आपको फ्रंट में वहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। तो चाबी आपकी यहाँ पे कुछ इस तरह लगती है, देखिए आप देख रहे हैं चाबी से ओपन हुआ है, देखिए ये इस तरह से ओपन हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, मेरे ख्याल से 1-2 लीटर का होगा। ये टूल्स थोड़ा नीचे गिर गए, सॉरी ये एक्चुअली हमें हटाना ही है। बैटरी आपकी यहाँ नीचे लगी रहती है तो बैटरी हमें भी रिमूव कर रहे हैं। ये देखिए वे बैटरी आपको यहाँ दिख गई है, RV रिवोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और वोल्टेज के लिए मेरे को इस साइड आना पड़ेगा, यह सब कुछ इसकी दे रखी है डिटेलिंग, 72 वॉट दे रखा है और 45 Ah की बैटरी दे रखी है आपको। और लिथियम आयन बैटरी है यहाँ पे, कहीं लिथियम फास्ट वॉज में लिखा हुआ नहीं है, मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी भी यहाँ लिखा हुआ है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ जूम करके, आप देख लें पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है आपको। चलिए अभी बैटरी हम रिमूव करते हैं, तो बैटरी रिमूव करेंगे सर हमारे हेल्प करेंगे थोड़ी सी। ये देखिए ये प्लग हमने ऐसे निकाल दिया है इजी गोइंग में, ये प्लग यहाँ से निकल चुका है। ये देखिए अब ये यहाँ पे एक और की लगती है, उसके बाद इस बैटरी को की को आपको प्रेस करके रखना है और ये बैटरी आपकी यहाँ इस तरह से बाहर आएगी। थोड़ा हेल्प लगेगी यहाँ पे सर की, ये थोड़ा सा ये केबल आपकी थोड़ी सी यहाँ पे अटैच हो जाती है। देखिए इस तरह से आपकी बैटरी यहाँ पे आ जाती है बाहर। ये देखिए काफी अच्छी बैटरी है और काफी बड़ी बैटरी मुझे दिख रही है, पर बैटरी काफी ब्रांडेड है, सब कुछ यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है। अब ये बैटरी बाहर आ चुकी है, बैटरी काफी वेटेड है, मुझे उठाने में थोड़ा लग रहा है
आई थिंक ये 2022 केजी की होगी। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए बैटरी हमारी बाहर आ चुकी है, मतलब ये बैटरी आपकी पोर्टेबल है, इसे आप बाहर भी चार्ज कर सकते हैं। हमारी टेस्ट राइड के लिए बाहर आ चुकी है शोरूम से, तो हमारा ये रेड वाला कलर है, ड्यूल टोन वाला रेड ब्लैक वाला कलर बाहर आ रहा है, तो अब हम फटाफट से एक टेस्ट राइड लेंगे। सर भी हमारे साथ में काफ़ी एक्सपीरियंस है, एक्चुअली ये गाड़ी एक्चुअली सर को आज डिलीवर्ड हो रही है, तो सर को बधाई भी हो एडवांस में, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे चैनल की तरफ से। पहले आप देख लें यहाँ पर साइड स्टैंड तो लगी हुई आपको दिख रही होगी, साइड स्टैंड लगने के बाद ही यहाँ पर रेडी हो जाती है, पर अभी भी मेरा इंजन किल स्विच यहाँ पर ऑन है, तो ये मैं हटा लेता हूँ और मोड में लगाता हूँ फर्स्ट मोड और हम निकलते हैं मार्केट में। अब एक देखते हैं इसमें फील कैसा आता है, झटके वाला पिकअप तो स्मूथ है इसका, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको झटके वाला कोई फील आ रहा है। अभी हम मार्केट में चलते हैं, टॉप साउंड भी आ रहा है और ये हमने पिकअप यहाँ पे थर्ड अप्लाई कर दिया है। बेल्ट वाली मोटर में साउंड काफ़ी अच्छा आता है, अभी थोड़ा मुझे ब्रेक में पैर में आदत है इसलिए थोड़ा सा ब्रेक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा मैं आगे चला के थोड़ा कम्फर्ट हो जाऊँ राइड में, उसके बाद हम देखते हैं सस्पेंशन में हम चेक करेंगे ऑफ रोड जाके। काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा इसका जो शेप है एरोडायनामिक शेप है, मतलब आगे थोड़ा झुकते हैं गाड़ी के ऊपर, ये भी एक अच्छा पोस्चर है, मतलब इसमें ऑटोमेटिक आपका पोस्चर बन जाता है, आपको लंबी राइड भी करेंगे तो आपको इसमें से दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आपका यहाँ पे ट्रांसमिशन थर्ड अप्लाई है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे झटके वाला फील आता है, क्योंकि आप टॉप मॉडल पे रहते हैं, टॉप स्पीड में रहते हैं, फिर आप मार्केट में अगर चल रहे हैं तो आप इसे सेकंड वाले मोड में चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील आएगा। थोड़ी भीड़ भाड़ है तो आपको टॉप स्पीड तो बता नहीं पाऊंगा, आज हम मार्केट में टेस्ट राइड कर रहे हैं, बाकी इधर भी थोड़ा सा रोड ख़राब है, फिर भी हम देखते हैं, चलो ऑफ रोड भी इसका सस्पेंशन तो बहुत स्मूथ है बॉस, मतलब मेरी बाइक से भी अच्छे सस्पेंशन मुझे लग रहे हैं इसके, मतलब सस्पेंशन जो अप्स एंड डाउन वाले रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। एक बार और कोशिश, ये देखिए कुछ ऑफ रोड आया तो हमने ऑफ रोड पे से निकाली है, तो सस्पेंशन तो काफ़ी अच्छे हैं, हमारे साथ में सर पीछे बैठे हुए हैं पिलियंस, 80-85 की टॉप स्पीड जाती है। हम एक बार इसका टर्निंग एरिया देख लेते हैं फटाफट से, देखिए ऑफ रोड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वापस से हम इसको फर्स्ट गियर अप्लाई कर लेते हैं, गियर भी अच्छा है, शिफ्टिंग वाला चेंज करने का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पे, और हाइट तो काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, मेंटेन है, मतलब मैं 5.7 का हूँ तो मेरे हिसाब से तो मैं ठीक है चला रहा हूँ, और ऐसा मुझे कुछ इसमें अनकम्फर्ट वाला फील नहीं हो रहा, जैसे मैं मेरी बाइक चलाता हूँ और वैसा ही मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर जो कुछ रोड वगैरह ख़राब था वहाँ पर भी मैंने इसे जंप करा के देखा है, सस्पेंशन तो काफ़ी स्मूथ है, पीछे सारा बैठे हैं 2 PM, मतलब अभी पेलोड की बात करूँ तो 150 अबाव हमारा पेलोड भी यहाँ पे है क्षमता, और बेल्ट का साउंड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आता है, ये तो यार अच्छी बात है, लगता है कि फील आप गाड़ी चला रहे हैं, और साउंड अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ साउंड भी आएगा। ये देखिए मैंने साउंड यहाँ से ऑफ कर दिया है, स्विचिंग भी काफ़ी प्रीमियम है इसके, चलते हैं फटाफट से शोरूम पे, आप देखिए मार्केट का व्यू एक बार। हमारा चित्तौड़ शहर में आज होली के कारण कुछ थोड़ी सी भीड़ भाड़, फर्स्ट मोड पे ये आपकी 40 तक ही जाती है, ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है, थर्ड मोड पे आप इसे 80-85 तक चला सकते हैं, और ग्लास वगैरह चेक कर लेते हैं, ग्लास थोड़े से मुझे छोटे लग रहे हैं, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसे बड़े लगवा सकते हैं, थोड़े से ग्लास का विजिबिलिटी थोड़ी सी मुझे लग रही है थोड़ी सी कम है, मतलब दिख तो रहा है पीछे का व्यू पर थोड़ा सा कम दिखता है, अगर आपको ज़्यादा व्यू देखना है पीछे का तो आप ग्लास थोड़े से बड़े लगवा सकते हैं, ये तो आप थोड़ी एडिशन आप थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा ब्रेक का यहाँ पे चेंज करने पड़ेगी, दोनों ब्रेक आपको साथ में अप्लाई करेंगे, इसमें CBS भी है, और आप रियर या फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई करते हैं तो आपका 60-40 रेशियो में यहाँ पे ब्रेक भी यहाँ पे काम करता है। थोड़ा सा नई गाड़ी है हमारी, मार्केट थोड़ा देख के हमें चलाना पड़ेगी, अगेन चलते हैं फटाफट से पिकअप लेते हैं, कटिंग वटिंग करके देखते हैं, टायर साइज़ काफ़ी बड़े हैं तो आप मार्केट में चलाएंगे तो आपको स्कीड होने का, आप कॉर्नरिंग ऑन भी करते हैं तो आपको इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इसकी सीट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ वायरिंग दिख रही है इस तरह से, यहाँ पे आपके ये दोनों है फ्रंट और रियर, आपको यहाँ से चाबी इधर करते हैं तो आपका ये यहाँ पे बकेट ओपन हो जाती है और इस तरह से आपकी यहाँ पे सीट ओपन हो जाती है, बाकी कुछ वायरिंग यहाँ पे कुछ दिख रही है, बाकी सिस्टमेटिक कुछ फ्रेम यहाँ पे है। साइड तो मैं इसकी ले चुका हूँ RV 400 की, इसका जो राइडिंग जो पोस्चर है वो काफ़ी एग्रेसिव, थोड़ा सा अग्रेसिव है, मतलब आगे तरफ आप इसे ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको लिथियम बैटरी मिलती है 72 वॉट्स और आपको 45 एच की बैटरी यहाँ पर मिल जाती है,
और वारंटी आपको इसमें सिक्स ईयर मतलब 6 साल की वारंटी मिलती है आपको मोटर और आपकी बैटरी के ऊपर। तो ये एक अच्छा फीचर लगा हमारे चित्तौड़ शहर की। आपको प्राइसिंग में यहाँ पे करता हूँ एक्सपोज 170 मतलब 1,70,000 रुपये आपको ऑन रोड हमारे चित्तौड़ शहर में मिलने वाली है। तो हमारे शहर में इसका शोरूम कहाँ है, आपको रिटेलिंग इसकी मिल जाएगी, आप बुकिंग के लिए वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। 3 कलर इसमें अवेलेबल होते हैं फिलहाल, 2 कलर हमारे शोरूम पे अभी अवेलेबल है, रेड में जो आता है ड्यूल टोन में और एक ब्लैक में जो प्लेन कलर आता है और पीछे वो खड़ा हुआ है। तो दोनों कलर हमारे यहाँ पे शोरूम पे अवेलेबल है। चार्जिंग भी 4 से 5 घंटे में हो जाती है, ऑटोमेटिक कटआउट हो जाती है। गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में अच्छी है, अगर आप कोई सुपर बाइक चाहते हैं तो फिलहाल रिवोल्ट की RV 400 ले सकते हैं। तो सस्पेंशन भी काफी स्मूथ है फ्रंट और रियर के, तो गाड़ी काफी बिल्ड क्वालिटी में अच्छी है। आपको रूरल एरिया में भी चलाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। जैसे गाड़ी में मुझे यहाँ पे कोई भी कमी महसूस नहीं, थोड़ा सा मुझे मिरर थोड़े से छोटे लगे पर आप वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है, हैंडल भी काफी ऊपर है तो आपको थोड़ा सा आगे झुकने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, तो ये अच्छा है। टायर वाइज भी ग्रिपिंग वाइज काफी अच्छे हैं। तो छोटा सा एक रिव्यू किया था मैंने रिवोल्ट 4V का, हमारे चित्तौड़ शहर में उपलब्ध है। तो मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी वीडियो में, तो नमस्कार धन्यवाद।